नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, ये है निफ्टी 50 इंडेक्स का, मतलब भारत की टॉप 50 कंपनियों का सामूहिक ग्राफ बनता है निफ्टी 50। तो अभी हम आपको बताएंगे कि 2023 के अंदर भारतीय मार्केट के अंदर या वर्ल्ड मार्केट के अंदर क्या कंडीशंस हो सकती हैं। अभी वर्तमान में हम देखे जाएँ तो भारत का जो मार्केट है अभी तक के अपने इतिहास के अंदर टॉप के ऊपर है। लगभग 18,800 के समथिंग मार्केट गया था और अभी 18,100 पर है, लगभग 700-800 पॉइंट नीचे, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है मार्केट के लिए। लेकिन अब आगे 2023 आने वाला है, नया साल आने वाला, तो नए साल में हमारा मार्केट कहाँ जा सकता है, क्या कंडीशंस हो सकती है। तो वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो वर्ल्ड मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, और हमारे RBI के गवर्नर साहब ने भी 2 दिन पहले कहा था कि अगर दुनिया के मार्केट में मंदी का दौर आता है तो भारत भी उससे बच नहीं सकता, भारत में भी मंदी की प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अब अगर वर्ल्ड मार्केट इस मंदी की सिचुएशन से थोड़ा सा भी उबर सकता है तो हमारा इफेक्ट पॉजिटिव साइड में डबल गुना पड़ेगा, क्योंकि हम ग्रोविंग कंट्रीज़ हैं। हमारे बारे में, हमारे देश के बारे में कई सारी बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि भारत 2025-2030 तक आने वाले टाइम में बहुत ऊपर तक जा सकता है, हमारा शेयर मार्केट काफ़ी हाइप तक जा सकता है। तो अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारा मार्केट आगे काम कर सकता है। यहाँ पर आप देखिएगा, हम 1 वीक के ऊपर कैंडल स्टिक मार्केट को लगाते हैं, 1 मंथ का लगाते हैं सॉरी। तो अगर 1 मंथ को देखें तो ये पिछले 2 साल का डेटा अगर हम देखें तो हम अभी भी अपने हाई पर हैं। ये आप देख सकते हैं, आज तक हमारा मार्केट, हम पीछे का देखें, ये कोरोना भी जा चुका है, कोरोना के बाद से भी हम कंटिन्यूसली ग्रो कर रहे थे, और उसके बाद से 2022 का ये जो पूरा साल भर रहा है, हम एक छोटी सी रेंज के अंदर घूम रहे हैं। मैं आपको रेंज भी बता रहा हूँ कि हमारा मार्केट ये देख सकते हैं, ये लगभग 18,800 से 15,000, मतलब छोटा मोटा देखे जाए तो 3,000 पॉइंट की रेंज के अंदर 2022 हमने निकाल दिया। अब 2023 क्या कर सकता है, तो 2023 में 15,500 का जो पॉइंट्स हैं, अगर हम इससे नीचे नहीं जाते, यहीं इसके आसपास ही घूमते हैं, तो हमारा मार्केट कहीं पर भी नहीं जाएगा, आराम से हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं। कुछ दिन तक यहाँ होल्ड करे, अभी जो मार्केट जिस कंडीशन में चल रहा है, कुछ दिन तक यहाँ होल्ड करे, एक बार थोड़ा सा डिप मारकर आ जाए, और फिर उसके बाद वापस जैसे ही हमारा मार्केट 18,800 का ये जो रेंज है, ये वाली रेंज को वीकली स्तर पर ब्रेक कर दें, तो हम आराम से फिर 20,000 तक आराम से जा सकते हैं, 20,000-21,000, फिर से एक इंडियन मार्केट के अंदर अपसाइड के अंदर रैली स्टार्ट हो जाएगी। बट शर्त यही है कि पहले थोड़ा बहुत इसको और नीचे जाने की, यहाँ कहीं थोड़ा सस्टेन करने की ज़रूरत है, फिर ऊपर जाएगा। तो यहाँ अभी जो इतना पूरा ऊपर आया था ना, ये हल्का हो जाएगा और फिर ऊपर जाने में बहुत आसानी हो जाएगी। और दूसरी चीज़ शर्त यह है कि ये जो टाइम फ्रेम है 15,100-15,200, इससे नीचे ना जाए, इसको बचा के रख ले जैसे तैसे भी, तो हमारा मार्केट आराम से ऊपर जाएगा। लेकिन अगर ये जो 15,100 है, 15,000 का जो पॉइंट है, एक मेजर सपोर्ट की तरफ काम करेगा, 15,000 एक साइकोलॉजिकल पॉइंट भी बैठता है, तो अगर हमने 15,000 ब्रेक कर दिया तो फिर इंडियन मार्केट के अंदर जो पिछले काफ़ी टाइम से कोरोना के बाद से जो एक अप रैली थी, वो अप रैली से डाउन साइड की तरफ शुरू हो सकती है। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू था। आप किस तरीके से सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आने वाले टाइम में हमारा इंडियन मार्केट किस दिशा की तरफ जा सकता है। कुछ भी सोचने से पहले हर एक चीज़ को टेक्निकली एनालिसिस करना ज़रूरी होता है, फंडामेंटली एनालिसिस करना ज़रूरी होता है। तो टेक्निकली हम बहुत मजबूत हैं, जब तक हम 15,000 को ब्रेक नहीं करते हमारे यहाँ पर, आप कभी भी ये मत सोचिएगा कि अब क्रेश आने वाला, जो बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं क्रेश आ गया, तूफान आ गया, बहुत बेकार बेकार बातें आपको बताते हैं मार्केट के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक 15,000 का सपोर्ट हमारे पास बना हुआ है तब तक हमारे लॉन्ग टाइम के लिए, मैं ये पूरी बात 2023 के लिए आपको बता रहा हूँ, कल या परसों की नहीं बता रहा हूँ, पूरे साल भर की कंडीशंस ये हैं, क्योंकि 2022 का साल हमने 3,000 पॉइंट के अंदर अंदर बिता दिया है, इन 3,000 पॉइंट के अंदर अंदर हमने एक तरीके से निकाला है 2022 को। तो अब 2023 क्या कर सकता है, तो हम 2023 के अंदर अभी जब आने वाला है तो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर खड़े हैं, तो यहाँ से मार्केट को एक बार थोड़ा अब जाने के लिए, थोड़ा सा डाउन जाने की ज़रूरत है, थोड़ा ठहरने की ज़रूरत है, और उसके बाद मार्केट जैसे ही ऊपर की तरफ जाता है तो हम फिर से बूम करेंगे, धमाका करेंगे। हमें हमारी इकोनॉमी पर भरोसा है, दुनिया वाले जब हमारी इकोनॉमी पर भरोसा कर रहे हैं तो हमें हमारी इकोनॉमी पर भरोसा होना चाहिए। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।